नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं स्टॉक ऑप्शन के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसा आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसा फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग जल्दी निकल जाते हैं और उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा प्रॉफिट देके गया, और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के चक्कर में जो भी हाथ में पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही हम लोग फंसते हैं, रीजन एक ही है जो हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो हम लोग का ये जो सॉफ्टवेयर है नॉट ओनली फॉर कैश फ्यूचर, यहाँ पर आप ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का साथ साथ अगर आप स्टॉक ऑप्शन में भी काम करना चाहते हैं तो स्टॉक ऑप्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है बट आप एक अच्छा रिटर्न लाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल, अभी आज का जो वीडियो है उसमें मैं आदानी पोर्ट का एक चार्ट लगाया हूँ, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं जो सिग्नल कैसे बनता है और सिग्नल को हम लोग कंफर्म कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक इंडिकेटर को आपको समझना है। जैसे यहाँ पर देखिए, सॉफ्टवेयर में फर्स्ट एक बाइंग का कॉल मिला है, ये जो ग्रीन कलर का एरो आपको दिख रहा है एक्चुअली ये सिग्नल होता है। जब भी ये सिग्नल बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये कॉल सही है या गलत है, क्योंकि कॉल बहुत सारा बनता है, हर एक कॉल अचीव नहीं होता। एंट्री लेने का पहले एक ट्रेडर को जो जो चीज देखना है उसमें से सबसे पहला चीज है सिग्नल के साथ स्टार बना है कि नहीं। तो देखिए, यहाँ पर सिग्नल के साथ स्टार दिख रहा है तो ये आपका फर्स्ट कंफर्मेशन है। नीचे का जो रिबन है उसका कलर ग्रीन होना चाहिए, जो ग्रीन है। एंड ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है उसका कलर व्हाइट, उसका कलर ग्रीन होगा और ये व्हाइट लाइन का ऊपर रहेगा। अगर ये तीन पैरामीटर मैच होते हैं तभी जाके आप एक कॉल को स्ट्रॉन्ग कॉल बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। जैसे हम लोग को बताया आदानी पोर्ट का लॉट साइज है 800 रुपीज, अगर आप यहाँ पर 10 पॉइंट भी ले लेते हैं तो सोचिए 8,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो 38-39 का आसपास सोचिए मैं यहाँ पर बाय किया हूँ। एंट्री लेने के बाद देखिए आपका एग्जिट कहां पर कर रहा है। हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू में मार्केट से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जिट करने के लिए हम लोग का सॉफ्टवेयर में एग्जिट का पॉइंट आता है। जैसे मैं अगर चार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो अल्टीमेट देखिए अभी भी मार्केट ऊपर जा रहा है, ये 50 का ऊपर चला गया तो 10 पॉइंट का ऊपर प्रॉफिट देके जा रहा है। मतलब आप एक ही कॉल में मोर देन 8,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते हैं। अभी भी सॉफ्टवेयर में कोई एग्जिट का पॉइंट नहीं आया है। एग्जिट आपको तभी करना है जब ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर व्हाइट लाइन को तोड़ के नीचे आ जाए। तो देखिए आपका एंट्री यहां पर बना था, अगर आप देखेंगे आपका एंट्री यहां पर बन रहा है और आपका एग्जिट इस जगह पर बन रहा है। तो एक लंबा रैली जो आपको लेना है, क्योंकि मार्केट ऐसा बहुत टाइम होता है जहां पर हम लोग अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उस प्रॉफिट को आपको लेना है। अगर आप इस प्रॉफिट को नहीं ले पाएंगे कभी भी आप अपना लॉस को बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज होगा तब जाके लॉस बैलेंसिंग होता है। तो देखिए ये हम लोग का एंट्री पॉइंट था, यहां पर एग्जिट हुआ। अब एग्जिट होने के बाद जैसे यहाँ पर जैसे ब्रिक्स दिखाई देगा जो व्हाइट का नीचे आ जा रहा है तो आपको पोजीशन को छोड़ देना है। फाइनली देखिए उसके बाद सेलिंग का कॉल बन गया, बट ये सेल का कॉल अभी भी कंफर्म नहीं है। रीजन ये है जो सिग्नल का साथ कोई स्टार नहीं दिया हुआ है और नीचे का जो रिबन है वो अभी भी देखिए ग्रीन है। ग्रीन है मतलब अभी भी मार्केट में बायस है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है। थोड़ा देर बाद आपको दिखाई दिया नीचे का जो रिबन है वो रेड हो गया बट अभी भी यहाँ पर कोई स्टार नहीं बना है, तो आपको स्टार के लिए वेट करना है, स्टार उसका बाद बना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ये जो सिग्नल बना इसमें ब्रिक्स यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, तो ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये सेंटिमेंट को कैच करता है। सिग्नल तो बाद में रिएक्ट करता है मार्केट में बट सबसे पहले जो मार्केट में चेंजेस होता है वो मार्केट का सेंटिमेंट। तो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर आपको बहुत पहले एक आइडिया दे देगा जो मार्केट आगे चल के गिरने वाला है। सिग्नल के साथ स्टार और नीचे का रिबन मैच करते हुए काम करना है। अगर मैच नहीं हो रहा है तो वेट कीजिएगा, जब तक फुल्ली कंफर्मेशन नहीं आता तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे स्टार बनेगा उसका बाद आप ट्रेड करेंगे, उसका बाद भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो भी देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा बेनिफिट बना दिया। नीचे का जो दोनों लाइन है आपस में क्रॉस ओवर होकर जब उसका कलर चेंज होगा तब जाके आप अपना पोजीशन को छोड़ भी सकते हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा और भी वेट कर सकते हैं क्योंकि नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है अभी भी वो व्हाइट का ऊपर नहीं गया। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिकेटर व्हाइट का ऊपर गया, तो आपका एग्जिट पॉइंट होगा एज पर ब्रिक्स यहाँ पर होगा। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर में एक चीज देखिए, एग्जिट बहुत ही प्रोमिनेंट है और अगर आप एग्जिट को प्रोमिनेंट बना पाएंगे तभी जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर क्या करता है, बहुत पहले आपको बता देता है जो मार्केट चेंज होने वाला है। देखिए अभी यहाँ पर सिग्नल बना स्टार के साथ, नीचे करीब रेड है सॉरी ग्रीन है एंड ब्रिक्स भी आपका फेवर में है, तो ये कॉल कंडीशनली सही था। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्केट ज्यादा नहीं चल पाया, तुरंत यहाँ पर आपको रेड स्टार्ट दे दिया, तो
अगर ये भी बेनिफिट है, अगर कभी भी सॉफ्टवेयर आपको प्रॉफिट नहीं भी दे पा रहा है तो देखना है कितना कम लॉस में आपको निकल रहा है। अगर मैं इस कैंडल का वैल्यू में एंट्री लिया हूँ, इस कैंडल 42 का आसपास, और यहाँ पर 42.35 उसका आसपास आपको एग्जिट करा दे रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको, सॉरी यहाँ पर स्टार देखिए आके चला गया था, बाद में दोबारा रेड स्टार बना, तो आपको रेड स्टार के लिए वेट करना है। जैसा रेड स्टार रिफ्लेक्ट होगा तो आपको वहां से निकल जाना है। तो हमेशा प्रॉफिट ही होता है, नॉट लाइक दैट, लॉस भी इस मार्केट का एक पार्ट है। बट आपको देखना है अगर लॉस आपको सॉफ्टवेयर दिला भी रहा है तो कितना मिनिमम लॉस आप खा रहे हैं, और प्रॉफिट के टाइम आप कितना ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। फाइनली देखिए यहाँ पर एक बाइंग का कॉल बना था, बट ये बाइंग का कॉल भी फॉल्स है, क्योंकि इस बाइंग का कॉल का पहले कोई स्टार नहीं बना था। नीचे का जो रिबाउंड था वो भी ग्रीन नहीं हुआ था, और ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है वो भी आपका फेवर में नहीं था। तो ये आज का फुल डे का परफॉर्मेंस है। इस चार्ट से जस्ट इतना समझाना चाहता हूँ, सिग्नल बहुत सारा बनेगा, हर एक कॉल में ट्रेड नहीं करना है। कॉल में एंट्री लेने का पहले तीन पैरामीटर को आपको चेक करना है, सिग्नल, स्टार एंड आपका ब्रिक्स। अगर फेवर में है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एंट्री लेने के बाद मेन जो फोकस होगा एग्जिट, क्योंकि कभी कभार मार्केट बहुत लंबा प्रॉफिट देता है तो उस प्रॉफिट को लेना चाहिए। और कभी कभार अगर इस टाइप का बाय का कॉल भी दिखेगा जहां पर हम लोग एंट्री लेते हैं बट मार्केट खास नहीं चल रहा है, तो मार्केट एकदम मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू में आपको निकल जाने का भी कोशिश करेगा। तो लॉजिक कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। एंड मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्रोकर के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहा है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा। एंड इस मार्केट रिगार्डिंग अगर आपको मेरा और भी बहुत सारा वीडियो देखना है तो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को ओपन कीजिए, काफी सारा वीडियो है, दो चार वीडियो और देखिए, काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। थैंक यू।